आ गया है धाकड़ का टीजर। एजेंट अग्नि बनकर सिल्वर स्क्रीन पर आग बरसाएंगी कंगना रनौत, देखेंगे धमाकेदार एक्शन। बॉलीवुड फिल्म स्टार कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का जबरदस्त टीजर सामने आया है। इस फिल्म में अदाकारा कंगना रनौत धमाकेदार एक्शन सीन करती नजर आने वाली है। ये फिल्म 20 मई के दिन थिएटर्स तक पहुंचने की संभावना है। बॉलीवुड फिल्म स्टार कंगना रनौत के इस एक्शन अवतार को देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित रहेंगे। जल्द ही बड़े पर्दे पर ये एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। अदाकारा की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का जबरदस्त टीजर आज ही रिलीज हुआ है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस टीजर में अदाकारा कंगना रनौत एजेंट अग्नि बनकर दुश्मनों पर कहर बरपाती नजर आ रही। सामने आए टीजर में अदाकारा कंगना का धाकड़ अंदाज दिख रहा है। ये फिल्म 20 मई को बड़े पर्दे पर पहुंचने वाली है। इस फिल्म का डायरेक्शन रजनीशा राजी घई ने किया है। फिल्म का निर्माण दीपक मुकुट और सोहेल मकलई ने किया है, उसके प्रोड्यूसर्स हैं। टीजर को देखकर साफ लग रहा है कि कंगना रनौत अब तक के अपने अलग अलग रोल्स में इस रोल को भी बिल्कुल नई आइडेंटिटी देने वाले। कंगना रनौत ने एक्शन पर इस तरह से हाथ कभी नहीं जमाया था। कोशिश उन्होंने बहुत की है, जैसे फिल्म मणिकर्णिका में उन्होंने पीरियड ड्रामा में एक्शन किया था, वहीं कुछ एक्शन अवतार उनका देखने को मिला था फिल्म क्रिश 3 में, जहां पर वो काया के किरदार में थी और उनके किरदार ने काफी सारे जंप और एक्शन सीन्स किए थे। लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा धाकड़ एक्शन होने वाला है। जैसा कि फिल्म का नाम सजेस्ट करता है, कंगना रनौत फिर एक बार एक धाकड़ अंदाज में बड़े पर्दे पर पहुंचेंगी। कंगना रनौत आजकल चल रहे अपने OTT प्लेटफॉर्म के शो को लेकर भी सुर्खियों में है, जहां पर उन्होंने दावा किया था कि वो सलमान खान के बिग बॉस से आगे निकल जाएंगी और रेटिंग्स में ये शो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। हालांकि अब तक ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन इस शो को पॉपुलैरिटी काफी मिली है और कंगना रनौत उसमें अपना कंट्रोवर्शियल एलिमेंट ऐड करने में अब तक तो सफल साबित हुई है। देखना है कि आने वाले वक्त में इस तरह की पारियां जब कंगना रनौत खेलेंगी तो कंट्रोवर्सी के मैदान से हटकर क्रिएटिव फील्ड के मैदान पर कितने पांव जमा पाती हैं और कितना नाम फिर से बना पाती हैं। अब इंतजार रहेगा मई में आने वाली उनकी फिल्म धाकड़ का, जिसमें फिर एक बार धाकड़ अंदाज में नजर आएंगी कंगना रनौत। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष में हुई है एक और हसीना की एंट्री। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म, जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म मानी जा रही है इन तीनों की, आदि पुरुष में अब एक अहम रोल में जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान को भी देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को। बता दें कि ये फिल्म रामायण पर आधारित फिल्म है, जिसमें प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, सैफ अली खान रावण के अवतार में नजर आने वाले। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होना है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को काफी बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है। फिल्म की जब घोषणा हुई है, तब से ही ये फिल्म किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर एक और खबर सामने आई है। इस फिल्म में जन्नत फेम सोनल चौहान की भी एंट्री होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सोनल इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाएंगे। बता दें कि ये फिल्म रामायण पर आधारित फिल्म है, जिसमें प्रभास भगवान राम की भूमिका पे निभाएंगे, सैफ अली खान रावण के अवतार में नजर आएंगे, कृति सेनन फिल्म में सीता का रोल प्ले करने वाले हैं। इन सभी के अलावा एक्टर सनी सिंह और वत्सल सेठ भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सोनल चौहान की भी एंट्री हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से आदि पुरुष में एक नए कास्ट के रूप में शामिल होने की जानकारी खुद सोनल चौहान ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनल चौहान ने खुद फिल्म को अपनी एंट्री को कंफर्म भी किया है। फिल्म में वो क्या रोल प्ले करने वाली हैं, इसके बारे में सोनल ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं आदि पुरुष का हिस्सा हूँ और मैं इसे लेकर एक्साइटेड हूँ। मैंने अब तक जिस तरह का काम किया है, उससे ये बिल्कुल अलग होगा। मुझे यकीन है कि दर्शक आदि पुरुष जैसी महान रचना का आनंद लेंगे। ओम राउत ने ट्वीट करके एक संदेश दिया था, एक वीडियो ट्वीट किया था, लिखा था, उफनता वीरता का सागर, छलकती वात्सल्य की कागर, जन्म हुआ प्रभु श्री राम का, झूमे नाचे हर जन घर और नगर। देखना यह है कि ये जब बड़े पर्दे पर आती है तो बिना कंट्रोवर्सी के क्या ये रिलीज हो पाती। आदि पुरुष को लेकर लंबे समय से खबरें रही हैं कि ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस फिल्म का बजट 350 से 400 करोड़ के बीच होगा। इस फिल्म के कई पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, जिसमें प्रभास को श्री राम के अवतार में दिखाया जा रहा है। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और कुछ की बाकी है। आदि पुरुष को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म सिनेमाघरों में 3D में रिलीज होगी।